वो नया योजना चलाया कि हम गोबर खरीद कर किसानों को बेचने का काम करेंगे। इन्होंने कहा कि दो जोड़ा बैल हम बांटेंगे। इन्होंने कहा एग्री स्मार्ट सिटी हम गाँव बनाएंगे। इनके ऐसे सारी योजना पर इनका खर्च हुए जीरो। सातों योजना में इनके खर्च ही नहीं हुए। हमने तीन नई योजना ही लेके आए हैं अभी, जब पुरानी सात नई योजना में इनके खर्च हैं जीरो, काम ही नहीं शुरू हुआ, तो नई योजना में क्या काम करें। सरकार का जो आंकड़ा है वो 18% का है अब तक, मान लीजिए और कुछ इजाफा हुआ होगा 24-25% खर्च की होगी। किसानों को लाभ मिल पाया है या नहीं? बजट बनाने से तो नहीं होता, योजनाओं को जमीन पर उतारना चाहिए। नहीं, अगर मंत्री जी का ये दावा है कि हमने किसानों का ऋण माफ़ किया, जो सुखाड़ हो गए थे वहाँ मुआवजा दिया, तो उस स्थिति में तो देखा जाए तो राहत किसानों को दे रही है। रघुवर जी की सरकार में हम किसी मंत्री थे तो हम लोगों ने 1% जो बाजार शुल्क लगता था किसानों व्यवसायी को, हम लोग समाप्त कर दिए थे, बाजार को फ्री कर दिए थे किसानों व्यवसायियों के लिए। और बाजार समिति को हम लोग, मार्केटिंग बोर्ड को अलग से हम लोग ऐड दे रहे थे, पैसा दे रहे थे राज्य के बजट से, उनको चला रहे थे। अब ये बिचौलिया के दबाव में आकर इन्होंने जो है 2% टैक्स लगा दिया। नियोजन नीति पर गतिरोध बरकरार है, सदन में बार बार वॉकआउट और हंगामा हो रहा है विपक्ष का नियोजन पे सरकार का मंतव्य जानने के लिए। लेकिन आज कृषि पे चर्चा हुआ, कृषि बजट पे सरकार आपको बता दे कि मात्र 18% ही राशि कृषि में खर्च कर पाई है। तो क्या सुखाड़ के बाद किसानों की कमर उतनी टाइट है झारखंड में जो वो किसान फिर से अपने आप को खड़ा कर पाएंगे अगली खेती के लिए? हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह जी हैं। सरकार का जो आंकड़ा है वो 18% का है अब तक, मान लीजिए और कुछ इजाफा हुआ होगा 24-25% खर्च की होगी, किसानों को लाभ मिल पाया है या नहीं? देखिए, मैंने तो आज कटौती प्रस्ताव पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी बजट पर अपनी बातों को रखा है गंभीरता के साथ। इनके सिर्फ किसी प्रभाव में देखा जाए, किसी विभाग में देखा जाए तो मात्र 28 फरवरी तक इनके खर्च हुए हैं मात्र 12%। ओवरऑल सारे विभागों के बजट के आकार को देखा जाए तो 17% के खर्च हुए हैं। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है इस राज्य के लिए। राज लगातार सुखाड़ के दंश झेल रहा है और सुखाड़ में इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएँ जो केंद्र सरकार की योजना है और राज्य सरकार की योजनाओं को जमीन पर नहीं उतार पाना लगातार इस सरकार का फेल्योर होना है। लगातार तीसरी ये बजट सरकार ने पेश किया किसी का और हर बार ये सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। मैंने तो अभी अपने अभिभाषण में मैंने कहा मूल बजट जो इनके हैं 1,18,000 करोड़ के में मात्र किसी को मिला है 4600 करोड़। आने कुल बजट का मात्र 4.5% ही ये राज्य के किसानों के खाते में जाने वाला है। उसमें भी मात्र यदि ये जिसे अगले साल इन्होंने बजट रखा था लगभग 4000 करोड़ और खर्च इनके हुए मात्र अभी तक 17%। तो बजट बनाने से तो नहीं होता, योजनाएं को जमीन पर उतारना चाहिए। नहीं, अगर मंत्री जी का ये दावा है कि हमने किसानों का ऋण माफ़ किया, जो सुखाड़ हो गए थे वहाँ मुआवजा दिया, तो उस स्थिति में तो देखा जाए तो राहत किसानों को दे रही है सरकार? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बाबा आपने उठाए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य के किसानों को बताना चाहता हूँ कि राज्य में भयंकर सुखाड़ पड़ी इस बार। 2400 जिलों में सुखाड़ में किसान दंश झेल रहे हैं। उधर 2 साल कोरोना में किसान परेशान थे। मैं इस कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भाई आपने जो भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना चल रही है भारत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके माध्यम से जब पहली किस्त जब उसमें हमारे मैं कृषि मंत्री था उसमें हमने 27,44,000 किसानों का डाटा हम लोगों ने अपलोड करने का काम किया था पोर्टल पर, और पहली किस्त की राशि में 561 करोड़ रुपया किसानों को मिला था। पहला किस्त 27,47,000 किसानों को, अभी ये घट के आ गए 12,44,000 पर। तो इतने किसानों का नाम हट गया, ये जिम्मेवारी किसका है? वर्तमान सरकार को चाहिए था कि सभी जिलों के उपायुक्तों को ये निर्देश देते, उपायुक्तों के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड के अंचलाधिकारी को ये निर्देशित होता और जहाँ भी किसानों को कोई कागजात में अगर कमियाँ थी तो गाँव में कैंप लगाकर और उसमें संशोधन कराकर ये पोर्टल पर उनका किसानों का जो नाम हट गया वो नाम पर चढ़ाकर किसी किसानों को अगर पैसा आता साल में 6,000 रुपया आ जाता किसानों को तो बहुत बड़ी राहत किसानों को होती। लेकिन इन्होंने तो आज सरकार का पैसा किसानों ने बंद कर दिया। इन्होंने इनकी जो अभी 12वीं किस्त की राशि आई है तो मात्र 12,44,000 किसानों के खाते में गया। ये मुद्दा को हमने उठाया है। दूसरी वो आप देखें इनकी ऋण माफ़ी योजना जो आप बात कर रहे हैं, पहले हम लोग रघुवर जी की सरकार में हमने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना चलाया था जिसमें हम लोग 5,000 से लेकर 25,000 तक 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक किसानों के खाते में हम लोग सीधे दे देते ताकि किसान को बैंक से कर्जा न लेना पड़े। पहली किस्त में हम लोगों ने 800 करोड़ रुपया भी देने का काम किया था। उस योजना को पहला कैबिनेट में सरकार ने बंद कर दिया। इन्होंने ये कहा कि हम किसानों का ऋण माफ़ करेंगे। तो SLBC की रिपोर्ट कहती है इस राज्य में 20 लाख से ज़्यादा किसान KCC लोन धारी हैं और उसमें से इनके माफ़ कितने हुए 3 सालों में? मात्र 4.5 लाख किसानों का ही लोन माफ़ कर पाए। वो भी 2 लाख तक का इन्होंने कहा था कि 2 लाख तक का हम लोन माफ़ करेंगे।
आते आते 50,000 पर आ गए सीमेंट के, उसमें से 3.5 लाख एनपीए किसानों का लोन माफ नहीं हुआ। अभी जो सुखाड़ की स्थिति है बाबा, सुखाड़ में भारत सरकार के जो पैसे आपदा प्रबंधन में 1,000 करोड़ रुपया हमारे खाता में पड़ा हुआ है, अभी तक ये भारत सरकार की टीम से ये सेटलाइज नहीं कर पाए कि कैसे हम किसानों को खाता हाथ देंगे। जब पहला बार इनकी सरकार बनी, हेमंत जी की सरकार, कृषि मंत्री बादल जी बने, तो पहले बनते ही इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो इतनी अच्छी बीमा योजना भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाए हैं, पूरे देश के किसान फायदा इसका ले रहे हैं। पहला कैबिनेट में इन्होंने, सरकार का मानना था कि नहीं, किसानों को लाभ नहीं मिलता, फसल खराब हो जाता है, बीमा कंपनी पैसा खा जाता है। मेरी बात सुना जाए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सुखाड़ होता तो लाभ मिलता, इस बार भयंकर सुखाड़ था, इन्होंने क्या कहा कि हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं चलाएंगे, हम राज्य में किसानों के लिए अलग बीमा चलाएंगे। तो भाई कोई बीमा तो चालू करते आप, कोई बीमा ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमको पैसा नहीं मिला, कोई बीमा ये लेके आते, उससे किसानों को लाभ मिलता, तो आज तो किसी किसानों को बीमा का लाभ मिला नहीं। और राज्य सरकार क्या किया, आयुष वाय 3500 रुपया करके कुछ किसानों के खाता में इन्होंने पैसा डालने का काम किया, जबकि रजिस्टर्ड किसानों की संख्या कितना है, 27,44,000, और इनके गए पैसे कितने किसानों के खाते में, ये सरकार से पूछना चाहिए आपको। तो एक तो जहाँ तक ये सरकार हर तरह का लाभ, जो सुखाड़ राहत का लाभ या बैंकों का लोन माफ नहीं कर पाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की राशि सरकार ने रोकवा दिया, वहीं दूसरी ओर आप देखें जो इनके सबसे बड़े योजना है, 500 करोड़ 417 करोड़ का इनका योजना था तालाब जीर्णोद्धार डीप बोरिंग, उसमें मात्र इनके 17 करोड़ खर्च हुए अभी तक भारत सरकार के। वो कौन सा जो योजना विधायकों को अनुशंसा पे तालाब बनना था 8 या 10? नहीं नहीं, विधायकों के अनुशंसा पर तो 75% विधायकों की अनुशंसा ली जाती है, 25% डीसी कोटा से लिए जाते हैं, बट 100% जो जिला में वो तालाब जीर्णोद्धार होना है या पॉपुलेशन टैंक बननी है या डीप बोरिंग होना, उनमें मात्र इनके जो 17 करोड़ खर्च हुए अभी तक, वो अभी फाइलों में घूम रहे हैं इनके योजना। वही दूसरी ओर भारत सरकार की अनेक महत्वाकांक्षी योजना, चाहे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जिसमें 97 करोड़ रुपया इनको पैसा मिला, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 138 करोड़ रुपया पैसा मिला, वो पैसे के खर्च हुए जीरो। भारत सरकार के अनेक योजनाओं पर टोटल कृषि विभाग के 70 योजनाओं में 56 योजनाओं में इनके पैसे खर्चे जीरो। राज्य सरकार के इनकी जितनी योजना, 7 नई योजनाएं पिछली बार इन्होंने चलाया, इन्होंने कहा कि हमको धाम बनाएंगे, वो नया योजना चलाया कि हम क्यों गोबर खरीद कर किसानों को बेचने का काम करेंगे, इन्होंने कहा कि 2 जोड़ा बैल हम बांटेंगे, इन्होंने कहा एग्री स्मार्ट सिटी हम गांव बनाएंगे, इनके ऐसे सारे योजना पर इनके खर्च हुए जीरो, 7 योजना में इनके खर्च ही नहीं हुए। अब नई 3 नई योजना ही लेके आए हैं अभी, जब पुरानी 7 नई योजना में इनके खर्च है जीरो, काम ही नहीं शुरू हुआ तो नई योजना में क्या काम करेंगे। इसीलिए ये पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। आप देखें जो पूर्व की सरकार में जब हम लोगों ने जो 100 मेट्रिक टन का गोदाम बनाने का शुरुआत हम लोगों ने किया था, कोल्ड स्टोरेज बनाने का शुरुआत किया था, आज उनके 3 साल से पैसा ही इन्होंने रोक दिया। अब ये कह रहे हैं कि हम नया सिद्धगिरी बनाएंगे, जब पुराने सिद्धगिरी जो आप काम चल रहे थे क्षेत्र पंचायतों में, उसका क्या हुआ, उस पर पैसा क्यों आपने रोक दिया। इनके जो झारखंड मिल्क फेडरेशन बने हुए हैं जो NDDB के सहयोग से यहाँ चल रहा है, झारखंड मिल्क फेडरेशन में इनकी मॉनिटरिंग नहीं है। आज यहाँ का जो मैं अपने विधानसभा का मैं बता रहा हूँ, सागर में मैंने मंत्री रहते हुए इस राज्य में 4 दूध प्रोसेसिंग प्लांट की हमने स्थापना की, होटवाल में 1 लाख लीटर का दूध प्रोसेसिंग प्लांट, 50,000 लीटर का साहिबगंज में, 50,000 लीटर का सारण में और पलामू में, और जमुआ में 1 स्वीकृति हमने देने का काम किया था। तो 4 योजना तो इनका पूरा हम लोग का टाइम हो गया, 4 प्लांट चालू है, लेकिन सारण का मैं कहानी बता रहा हूँ, सारण में सिर्फ दूध का प्रोसेसिंग ये कर रहे हैं और सारा दूध बंगाल भेज रहे हैं, झारखंड की जनता को दूध नहीं मिल पा रहा है। तो भाई दही पनीर लस्सी कब आप प्रोडक्शन करोगे, मंत्री जी का उस पर ध्यान नहीं है, इनके MD जो है झारखंड मिल्क फेडरेशन के MD का इसमें ध्यान नहीं है। तो वहीं दूसरी दो आप देखें, आपका ये समझ में आ गया जनता को। हमारा एक आखिरी सवाल है, जो 2% टैक्स कृषि शुल्क के तौर पे लिया, सरकार ने उसको ऐलान किया था कि भाई हम इसको वापस लेंगे, जब मिले थे चैम्बर के लोग उनसे, तो क्या वो वापस होने का पूर्णतः घोषणा हो गया? देखिए वो तो हमारे राज्य के व्यवसायियों किसानियों को सरकार के अधिकारियों ने, सरकार कृषि मंत्री ने झांसा देने का काम किया। आज मैंने वो मुद्दा को उठाया है सदन में, हमने कहा कि भाई जब रघुवर जी की सरकार में हम कृषि मंत्री थे तो हम लोगों ने 1% जो बाजार शुल्क लगता था किसानों और व्यवसायी को हम लोग समाप्त कर दिए थे, बाजार को फ्री कर दिए थे किसानों और व्यवसायियों के लिए, और बाजार समिति को हम लोग मार्केटिंग बोर्ड को अलग से हम लोग ऐड दे रहे थे, पैसा दे रहे थे राज्य सरकार के बजट से, उनको चला रहे थे। अब ये बिचौलिया के दबाव में आकर इन्होंने जो है 2% टैक्स लगा दिया, और जब पूरे राज्य के व्यवसायी किसानों ने आंदोलन किया तो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के दबाव में इन्होंने कहा कि हम इसको वापस ले लेंगे। अभी तक तो वापस नहीं लिया इनका, इनकी अधिसूचना जारी हो चुकी है बाबा, अधिसूचना जारी हो चुका है, ये वापस नहीं लेंगे मैं जानता हूँ। इसलिए मैं चाहूँगा राज्य के किसानों व्यवसायियों से फिर जोरदार तरीके से इसका आंदोलन करना चाहिए और आगे सरकार को विवश करना चाहिए इसको वापस लेने के लिए।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.